Good morning, students. This is Akash Kelly. We for class 6th. In last class, we discussed about dry cell. What is the structure of dry cell? And there we see that there are two terminals. Now we see that bulb. And after that, we all see that for make a circuit. Before we make complete circuit, we discussed about every component of a circuit. In first, we saw a cell. Now we see a bulb. हम एक एक करके क्या देखेंगे, components देखेंगे. After that, we make a complete circuit. उसके बाद हम क्या करेंगे, guys, a complete circuit बनाएंगे and see how a electricity will flow in a circuit. Okay. Now see bulb. It is the structure of bulb. In bulb, guys, we see that I see you a bulb also. This is bulb. We compare this structure by this bulb. First of all, we see that, guys, there is a glass bulb. ये जो है, guys, it is a glass bulb. ये जो बाहर कवरिंग है, एक लेयर है, this is ग्लास पर आउटर जो होती है. आफ्टर डैट गाइज इज द कैप. ये जो होता है गाइज, दिस इज ए मेटल एंड जिसे हम क्या बोलते हैं, कैप बोलते हैं. दिस इज द बल्ब कैप ऑफ दिस बल्ब एंड दिस इज द ग्लास. ग्लास मीन्स कांच का जो है. दिस इज कैप. दिस इज गाइज कैप. दिस इज मेटल. इज दिस इज कैप. इन साइड दिस बल्ब गाइज वी सी डैट सपोर्ट वायर. We see that support wires. If you can see that this is two wires, guys. This is support wires. This two is support wires. Okay. This two is support wires. जो हम guys बीच में देख रहे हैं, आप अगर बीच में देखेंगे, they are thin. This is too much thin. This is too thin. This and this. This is टू थिन. ये क्या होते हैं गाइज, सपोर्ट वायर होते हैं. ये क्या होते हैं, सपोर्ट वायर. एंड गाइज दिस इज टंगस्टन, जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं. जिसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट होता है जो किसका बना होता है, टंगस्टन मेटल का बना होता है. ये जो गाइज आप पतली सी लेयर देख रहे हैं, जो इस पॉइंट से सी, ये जो लेयर जा रही है गाइज इस पॉइंट से, इस पॉइंट को टच करिए गाइज, किसका बना हुआ है, टंगस्टन का बना हुआ. ये किसका बना हुआ गाइज, टंगस्टन का. एंड गाइज इंजेक्ट गैस इस बल्ब के अंदर गाइज हम देखें तो इंजेक्ट अक्रिय गैस भरी होती है. इंजेक्ट गैस मीन्स अक्रिय गैस. इंजेक्ट मीन्स इट इज नॉन एक्टिव गैस. ये सक्रिय गैस नहीं होती. ये जो गैस होती है गाइज, इट में बी ऑर्गन और नाइट्रोजन. इसके अंदर जो गैस भरी होती है गाइज, या तो वो ऑर्गन होती है या क्या होती है, नाइट्रोजन होती है. बिलो वी सी डैट गाइज दिस इज इलेक्ट्रिक फुट कॉन्टेक्ट. ये जो हम देख रहे हैं यहाँ, सीयर इलेक्ट्रिक फुट कॉन्टेक्ट. दिस इज आर टू इलेक्ट्रिक फुट कॉन्टेक्ट. सी दिस एंड दिस इज ए टोटल बल्ब. दिस इज कैप. दिस इज ग्लास बल्ब. दिस इज टंगस्टन, जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं. ओके. दिस इज सपोर्ट वायर एंड दिस इज टू इलेक्ट्रिकल फुट कॉन्टेक्ट. नाउ वी सी ग्लास बल्ब, टंगस्टन, सपोर्ट वायर जो मिडल में है गाइज, इंडक्ट गैस जो अंदर होती है, मेटल कैप, इसे हम मेटल कैप भी बोल सकते हैं, मेटल कैप. एंड दिस इज टू इलेक्ट्रिक फुट कॉन्टेक्ट. नाउ वी गाइज सी स्ट्रक्चर. हम स्ट्रक्चर देखेंगे. टेक ए बल्ब एंड सी इट्स ऑल पार्ट. हम गाइज बल्ब देख के उसके सारे पार्ट देखते हैं. द थिन वायर डेट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट. हम गाइज जब बल्ब जलता हुआ देखते हैं, तो ये जो होती है, ये जो टंगस्टन वायर होती है, क्या होता है, जलता है. तो ये जो वायर जो गाइस लाइट देता है, इसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट ऑफ द बल्ब. इसे क्या बोलते हैं, ये जो गाइस आपको दिख रहा है बीच में, इफ यू एबल टू सी दिस, दिस इज द फिलामेंट. ये क्या है गाइस, फिलामेंट. जलता है जब गाइस, व्हेन बल्ब्स ग्लो दिस वायर इज ग्लो. ये वायर क्या होता है, जलता है. इसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट. हिंदी में गाइस फिलामेंट को बोलते हैं तंतु. द फिलामेंट इज फिक्स टू द थिकर वायर्स. हम वी सी डैट गाइस इन आवर डायग्राम ऑल्सो डैट दिस फिलामेंट इज फिक्स बाय टू वायर्स. ये क्या होता है, टू वायर्स से क्या होता है, फिक्सड होता है. वी ऑल्सो सी डैट दिस टू वायर्स, दिस इज वन एंड दिस इज सेकेंड.
इन दो वायर्स गाइस, ये जो फिलामेंट ये क्या है, फिक्स है. यू कैन सी दैट बाय दिस एंड बाय दिस. सी दिस फिलामेंट इज फिक्स्ड बाय दिस एंड दिस टू थिकर वायर्स. द फिलामेंट इज फिक्स्ड ऑफ टू थिकर वायर्स विच आर ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट. ये गाइस क्या करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं. सपोर्ट मीन्स इसको अगर हम, इफ गाइस दिस टू वायर्स आर नॉट इन बल्ब देन हाउ कैन दिस टंगस्टन फिक्स देयर. तो ये क्या करते हैं, टंगस्टन को यहाँ पर फिक्स बनाए हुए या इसको सपोर्ट देने में क्या करते हैं, टंगस्टन को या इस फिलामेंट को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. वन ऑफ दीज थिक वायर्स इज कनेक्टेड ऑफ द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बॉटम. हम देखते हैं गाइस, ये जो वायर है, ये जो मेटल बेस है गाइस, ये जो मेटल बेस हम देख रहे हैं जिसे हम कैप बोल रहे थे, ये इसके बेस से क्या होते हैं गाइस, कनेक्ट होते हैं. ये जो है गाइस, ये जो है ये है, एंड ये जो है ये वाला वो कौन सा है ये. तो ये गाइस क्या होते हैं, मेटल कैप के बेस से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, जो क्या करते हैं इस फिलामेंट को क्या करते हैं गाइस, सपोर्ट देने का काम करते हैं. द अदर थिक वायर्स कनेक्टेड टू द मेटल कैप टिप ऑफ द सेंटर. द बेस ऑफ द बल्ब एंड मेटल टिप ऑफ द बेस आर टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब. ये जो गाइस इससे फिक्स है, ये क्या है गाइस, टर्मिनल है. इफ यू सी इनसाइड, ये क्या है गाइस, क्या है बल्ब के टर्मिनल है, जो इनसे क्या है फिक्स्ड है, जो इनसे क्या है गाइस, फिक्स्ड है. एक टर्मिनल, दिस इज वन टर्मिनल एंड दिस इज सेकंड टर्मिनल. तो ये टंगस्टन से क्या इस यहां तक क्या है, फिक्स्ड है. जो इस टंगस्टन से, जो यहां से इस टंगस्टन से ये जो वायर है, ये जो गाइस वायर आ रहा है, ये गाइस मेटल के बेस से क्या है, फिक्स्ड है. सेम एज ये जो गाइस आ रहा है, ये मेटल के बेस से क्या है गाइस, फिक्स्ड है. दिस टू टर्मिनल आर फिक्स्ड इन सच ए वे दैट दे आर डू नॉट टच ईच अदर. और ये गाइस इस तरीके, वी सी हियर दैट दे आर नॉट टच टुगेदर. ये एक दूसरे से टच नहीं है. इनसाइड वी सी, अंदर भी हम देख रहे गाइस, ये एक दूसरे से टच नहीं रहते हैं. ये एक दूसरे से क्या है गाइस, दूर दूर रहते हैं. तो ये क्या गाइस, स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसमें जो टंगस्टन या फिलामेंट है उसको ये इस बार क्या कर रहे हैं, सपोर्ट किए हुए हैं. एंड सपोर्टर वायर्स ऑल्सो होते हैं गाइस इनसाइड में. ये जो क्या है, ये मेटल के बेस से क्या है गाइस, फिक्स्ड है. और ये मेटल के बेस से फिक्स्ड होकर क्या करते हैं गाइस, इसके क्या बनाते हैं, टर्मिनल बनाते हैं. दो क्या बनाते हैं, टर्मिनल. दिस इज फर्स्ट टर्मिनल एंड दिस इज सेकेंड टर्मिनल. अब नाउ वी सी गाइस, वी सी द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ बल्ब. दिस इज मेटल कैप, दिस इज बेस, दिस इज टंगस्टन वायर. ओके, एंड इन साइड इफ यू सी, दिस इज थिन वायर, दिस इज सपोर्टेड वायर, एंड दिस ऑल्सो सपोर्ट वायर, एंड इट मेक्स द टर्मिनल और एंड इट फिक्स द बेस ऑफ मेटल कैप एंड मेक्स टर्मिनल ऑफ बल्ब. नाउ वी सी हाउ ए बल्ब ग्लो. ए लाइट बल्ब इज ऑल्सो सिंपल अपरेंट दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इन टू लाइट एनर्जी. एक बल्ब जो होता है गाइस, वो एक सिंपल अपरेंट होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इसमें गाइस क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है गाइस, लाइट एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है. ए बल्ब इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल एम्बेड इन साइड ग्लास. या गाइस एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, दे आर टू टर्मिनल, दिस वन पॉजिटिव एंड सेकेंड गाइस कैसा होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा. विद ए टंगस्टन फिलामेंट एट दोज द टू विद इलेक्ट्रिक सप्लाई टू द टर्मिनल. और ये जो गाइस हम देख रहे हैं, टर्मिनल जो देख रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, हम देख रहे हैं गाइस ये किससे कनेक्टेड है, ये किससे कनेक्टेड है, सी ये टंगस्टन वायर से क्या है, कनेक्टेड है. ये टंगस्टन वायर से क्या है, कनेक्टेड है, जो क्या कर रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल को बनाते हैं. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हीट अप द थिन फिलामेंट. जैसे गाइस हम इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, तो गाइस जो फिलामेंट होता है ये क्या करता है, हीट करता है. बिकॉज कुछ ना कुछ क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस होगा, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, इट इज ए मेटल टंगस्टन, इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा. तो गाइस जैसे ही गाइस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हीट अप द थिन फिलामेंट. जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्लो होते हैं, तो ये क्या करते हैं गाइस, हीट करते हैं किसको, फिलामेंट को, तंतु क्या करते हैं, गर्म करते हैं. इन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू टू द बैंग अगेंस्ट द फिलामेंट अंटिल इट्स हीट अप द पॉइंट दैट इट बिगिन टू फ्लो. दिस प्रोसेस हैपन एक्सट्रीमली क्विक. जैसे गाइस इस टंगस्टन में से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो होते हैं, तो उससे क्या करते हैं गाइस, वो हीट करते हैं. हीट करते ही गाइस बल्ब क्या करता है,
फ्लो करता है क्विकली, और ये जो प्रोसेस होता है गाइस बहुत जल्दी होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए, जैसे इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे टंगस्टन में, हीटअप होगा, हीटअप से गाइस आपका टंगस्टन हमारा क्या करता है, फ्लो जलने लग जाता है। द एयर इन साइड द ग्लास इन एक्चुअली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडक्ट गैस दैट हैज प्रिवेंट द फिलामेंट फ्रॉम बिकम टू हीट एंड ब्रेकिंग। यहां गाइस हम देख रहे हैं कि टंगस्टन क्या होता है, हीट होता है, इसके गाइस अंदर जो इस बल्ब के अंदर जो गैस इंडक्ट गैस भरी हुई है, अक्रिय गैस भरी हुई है, वो क्या करती है गैस हेल्प करती है, किसमें हेल्प करती है, हमारा जो हॉट फिलामेंट जो हॉट हो गया है फ्रॉम बिकम टू हॉट, इसको ज्यादा गर्म होने से रोकती है, और उसको ब्रेकिंग इसको टूटने से भी क्या करती है, रोकती है। इफ गैस दिस इज ब्रेक डाउन देन कंप्लीट इज देन सर्किट इज नॉट कंप्लीटेड, कैसा सर्किट इज ब्रेक, सर्किट कैसा हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक। आई कैन टेल यू डेट गाइस यहां से हम क्या करते हैं, एक वायर गाइस इस पॉजिटिव से, एक वायर क्या होगा नेगेटिव से, यहां से गाइस क्या करती है, एक सर्किट से टर्मिनल से क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है बाय थ्रू दिस वायर, यहां से टंगस्टन से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती हुई गाइस इस जो टर्मिनल से है क्या होती है पास हो जाती है। तो यहां से गाइस जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंटर करती है, इट मींस इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां से गाइस एंटर करते हैं, तो ये टंगस्टन गाइस क्या होता है, ये जो टंगस्टन वायर है ये गाइस क्या करता है, फ्लो ग्लो करता है, यानी चमकने लगता है इलेक्ट्रॉन हीटअप होने का, और यहां से गाइस इलेक्ट्रॉन होते हुए इस टर्मिनल से क्या हो जाते हैं गाइस पास आउट हो जाते हैं। तो ये एक कंप्लीट सर्किट बनाता है। आई विल टेल यू व्हाट इज सर्किट। यहां से गाइस अगर ये टंगस्टन वायर गायब होता है गाइस, ये अगर ब्रेक हो जाता है हीट के कारण, अगर गाइस इंडक्ट गैस अगर के कारण अगर या इंडक्ट गैस खराब या कुछ भी हो उसमें, अगर गाइस बल्ब जब भी खराब होता है तो यहां से क्या होता है टंगस्टन वायर क्या हो जाता है, हम देखते हैं टंगस्टन वायर क्या होता है, ब्रेक हो जाता है जी गाइस। जैसे अगर ये ब्रेक हो गया, ये टंगस्टन वायर अगर गाइस जैसे ही ब्रेक हो गया, तो यहां से ये जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हुआ, इट मींस यहां से इस टर्मिनल से इलेक्ट्रिसिटी तो एंटर करेगी लेकिन यहां इस टर्मिनल तक नहीं आएगी, यानी कंप्लीट पाथ नहीं बनता है। तो यहां से अगर गाइस ये ब्रेक हो जाता है तो बल्ब ग्लो नहीं करता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज टू हाई एंड रेजिस्टेंस इज टू लो। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है गाइस, टंगस्टन जो वायर है जिसे हम फिलामेंट बोल रहे हैं, जो फिलामेंट जो टंगस्टन मेटल से बना होता है, इसका गाइस रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत लो होता है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है गाइस, बहुत हाई होता है। यानी मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों लिया जाता है, या टंगस्टन वायर गाइस क्यों लिया जाता है, दिस इज अ क्वेश्चन, व्हाई वी टेक ए टंगस्टन वायर इन ए बल्ब, कि हम एक बल्ब में टंगस्टन वायर ही क्यों लेते हैं। टंगस्टन वायर इसलिए लिया जाता है गाइस बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन वायर इज वेरी लो। उसका जो रेजिस्टेंस प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को रोकने की, इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, जिसे प्रतिरोध बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को पास होने से, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में जो गाइस बाधा उत्पन्न करता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो यहां गाइस इलेक्ट्रॉन फ्लो आराम से हो सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी लो होता है, और गाइस इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है, यानी जल्दी से ये पिघलता नहीं है, क्योंकि गाइस यहां हम देख रहे हैं हीट होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हीट देंगे तो वो गाइस क्या होगा, हीट से मेल्ट हो सकता है, लेकिन टंगस्टन अगर गाइस हम अगर अदर्स मेटल लेंगे तो हीट अप हो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और बल्ब क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। दैट्स वाई टंगस्टन वायर ले जाते, क्योंकि टंगस्टन वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो गाइस क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, वो जल्दी से मेल्ट नहीं होता है हीट होने पर, इसलिए बल्ब में टंगस्टन वायर लिया जाता है। एंड सेकंड थिंग, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है गाइस, बहुत लो होता है, इसलिए भी टंगस्टन वायर को लिया जाता है। दिस इज ए कंप्लीट बल्ब। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज बल्ब एंड व्हाट इज टर्मिनल ऑफ बल्ब एंड वेयर इज टंगस्टन वायर एंड वी सपोर्टेड वायर, वेयर इज ग्लास बल्ब, this is glass bulb, this is the two terminals of bulb, this is cap, this is supported wires, electricity or electron flow from this terminals to from through to tungsten wire and from to this wire and this pass out from this terminal, when electrons enter this tungsten wire heat up and get flow, aur kya hota hai, फ्लो करने लग जाता है, जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ये हीट अप होकर गाइस क्या करने लगता है, फ्लो चमकने, ग्लो चमकने लग जाता है, और यहां से इलेक्ट्रिसिटी इस टर्मिनल से क्या हो जाती है गाइस, पास आउट हो जाती है। दिस इज द कंप्लीट बल्ब। इन नेक्स्ट क्लास
we see that what is a circuit and how in a circuit electricity flow, and what is open circuit and what is closed circuit. Thank you. Have a nice day.